सरकार जो बिल्कुल बर वक्त पहुंची है, टाइम पे आ गए चल रहे नदी बाड़ी में मेरे 2 महीने बाद की हां कायमत पर आपको क्षमा दे कहते हैं कृष्ण ब्राह्मण का इंशाल्लाह बेहतरी है। हमने यार से भूख के एक भी कुछ बात जो है मगर मैं अपनी पास है ना ऐसी आ रहा ऐसी कह दे कि यार ये उन्होंने साइंस से पूछो हमसे पूछते थे उसका मैं अपनी मदर शास्त्र में खास करूंगा। नजमी साहब, लॉरेंसो साहब, हमारे आया सुनो साहब और राशिद रब्बानी वका मेरी साहब, हम सब आज यहाँ आए मेहनती साहब और उनके साथियों से मिलने, जमायत इस्लामी की तंजीम से मिलने, ताकि हमने कहा कि चूंकि ये भी कराची और पाकिस्तान की और सिंध की एक सियासी जमायत है और असेंबली में हो या न हो मरकज में हैं, सुबह में इतफाक से नहीं है, लास्ट टाइम तो थे हमारे काफ़ी साथी, उनसे इनके अपने कुलीज भी यहाँ पर आज मौजूद थे, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी, हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगु हुई। दरअसल आपको जैसे इल्म है मेरे मीडिया के दोस्तों को साथियों को कि सियासत में डायलॉग की एक बहुत हमारी पार्टी ने शहीद भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से लेके हमारे वो चेयरमैन आसिम अली जरदारी साहब तक और फिर नीचे हमारे चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, आपने देखा कि हमेशा एपीसी पार्टी दरवाजा हमने बंद ही रखा और हमेशा चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुले रहे, सिंध में भी और ऐवान सदर के दरवाजे भी खुले रहे और पीएमएलएन के दोस्तों को भी हमने पहले दावत दी, हमारे साथ पार्टी काबीना में भी वो हमारे साथ रहे, छोड़ के गए वो अलग कहानी है, लेकिन हमारी मर्जी नहीं थी उनको छोड़ने की, वो खुद छोड़ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुतदा कौमी मूवमेंट हमारे कराची से उनको काफी सीटें मिली हैं, उनका उनको मैंडेट मिला है यहाँ का, तो हमने उनको भी अपने साथ, हालांकि असेंबली में सिंध असेंबली में हमारे पास अगर गिनती की बात होती तो हमारे पास वोट पूरे थे, हुकूमत तो हमने बना भी ली थी, लेकिन हमने यही सोचा कि अपने साथ रखेंगे, अपने साथ बिठाएंगे और एक दूसरे की बात सोचेंगे, पूरे पुराने जो हमारे शदीद इख्तलाफात थे उनको भी भूल के हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो फलसफा हमें दे गई कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए सियासत में और पुरानी जो सियासत थी उसको तर्क करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को विक्टिमाइज करने के जरिए सियासी कुवत हासिल करना ये जमहूरी लोगों का शेवा नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमें यही रास्ता दिखाया जिसको हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी फॉलो कर रहे हैं, यहां सिंध में कायम अली शाह साहब हमारे सूबाई सदर भी हैं और हमारे वजीर आला भी हैं, उन्होंने सारी काबीना ने उसी रास्ते को अपनाया है और मेहनती से आपको याद होगा उनके साथियों को कि हमेशा वजीर आला हाउस में उनसे हमारी मुलाकातें अक्सर वहीं होती रही हैं, वहीं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एपीसी बुलाई जो मशवरे में होते थे, कोई भी बात होती थी इनको हम हमेशा मशवरों में शरीक रखते थे, इनकी जो शिकायतें थी वो भी वही थी जिनके अजाले के लिए हम लोगों ने आखिर तक अपना पूरा परिसर दी, सिंध असेंबली का रिकॉर्ड गवाह हमारे वजीर कानून अयाज उमर साहब मौजूद हैं, आप इनसे भी हमने अपने साथियों के मशवरे के काम हमने उनसे मशवरा किया, उसके बाद हमने कोई कानून पास नहीं किया बावजूद मेजॉरिटी होने के, क्यों उसकी वजह यही थी कि हमने कहा कि हमारे कराची हैदराबाद में जिन दोस्तों को मैंडेट मिला है उनको भी कानून साजी में बराबर का हिस्सा दिया जाए, हमारी सिर्फ जो जरूरत थी वो थी अमन, तो अमन हमें 3.5-3 साल में बावजूद कोशिश किया हमें वो नहीं, और ताने सुनते रहे हम सब, तावन भी तलब किया
ہم نے اس اجلاس میں سب سے پہلے تو ٹارگیٹ پر ہماری ایک کارکن ہے، ہماری فالوئنگس ہے، اور ہم نے الحمدللہ ہر زمانے میں جب بھی ہم رہے ہم نے امان قائم کیا ہے، مساوات قائم کی ہے. یہ نجمی عالم صاحب وغیرہ ہمارے دور میں رہے، ان سب کو پورا بجٹ ملا ہے، کسی کے ساتھ کوئی استحصال کوئی انتقام نہیں لیا. الحمدللہ جماعت اسلامی جو ہے اس معاملے میں اپنا بہت اچھا ریکارڈ رکھتی ہے. دو نظاموں میں کام کیا ہے، وہ نظام بھی جو 1979 کے بعد تھا اور دوسرا 2001 ہے، دونوں میں کام کیا ہے. کیونکہ یہ آرڈیننس کل رات ہی نافذ العمل ہوا ہے اور ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اس کی پوری اسٹڈی کریں، وہ آرڈیننس بھی نہیں ملے. تو انشاءاللہ ہم نے ان سے کہا کہ اس کا مطالعہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے دونوں کی خوبیاں اور خرابیاں. اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم چونکہ نیا قانون بنانے جا رہے ہیں اور اس میں ہم 1979 کو کوئی صحیفہ نہیں سمجھتے، اس میں کوئی تبدیلیاں وغیرہ اگر آپ دیں گے تو اس کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ مل بیٹھ کے مشورہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کراچی کو اور پورے صوبے کو امن کا، محبت کا، بھائی چارگی کا نمونہ بنائے اور یہ بلدیاتی ادارے خدمت خلق کا نمونہ بنے. یہ بلدیاتی اداروں میں جو استحصال ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے، جو کرپشن ہوتا ہے، اس کا سدباب ہو سکے اور واقعی عوامی نمائندے جو ہیں عوام کی خدمت کر سکے. تو انشاءاللہ اس پر ہم مل بیٹھ کے مشورہ کریں گے اور اپنے تجاویز بھی دیں گے اور تمام باتیں ساتھ لائیں گے. دوسری بات جو میں